हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिका मेकअप स्टाइल। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। एंड ये ऐसा मॉइस्चराइजर है जिसे आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं एंड समर में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कि विंटर आज आ चुके हैं और सभी मॉइस्चराइजर को यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ, समर में भी मॉइस्चराइजर को यूज़ करना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है। एंड इससे ऑयली स्किन के जो या कॉम्बिनेशन स्किन के हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑयली स्किन के लिए तो ये समर के लिए भी बहुत अच्छा है एंड विंटर के लिए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड अगर ड्राई स्किन वाले यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ पॉन्ड्स की। लुक एट दिस, पॉन्ड्स की हाइलुरोनिक सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये पहले कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता था, आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी न्यू बाय किया है एंड ये मेरा ओल्ड है और ये इसे मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही थी। और ये देख सकते हैं, ये मैंने समर में परचेज़ किया था और ये फिनिश हो चुका है। ओके, सो ये अभी मैंने रिसेंटली न्यू परचेजिंग की। तो अब इसकी पैकेजिंग बदल गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले बहुत फ्लैट बॉक्स में आती थी और ये इस तरीके से रहता था। अब इन्होंने थोड़ा सा इसको छोटे बॉक्स में कर दिया और हाँ, थोड़ा सा नेट क्वांटिटी में भी डिफरेंस आया है। ये 49 ग्राम का है एंड ये 73 ग्राम का है। ऑलमोस्ट ग्राम में थोड़ा सा पैकेजिंग में इन्होंने चेंजिंग किया है, बट अगर बात की जाए इसके फार्मूले की तो फार्मूला सेम है। ऊपर से पैकेजिंग भी इन्होंने सेम ही रखी है, आप जैसा कि देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया है। तो मैंने ये आपको दोनों दिखा दीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसा आ गया, मुझे बताया तो कैसा था, ये है सारा। तो ये ओल्ड पैकेजिंग है एंड ये न्यू पैकेजिंग है, आप इसे बाय कर सकते हैं। अब मैं इसकी बात करूँ अगर फार्मूला की, तो ये सुपर लाइट जेल है, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल भी आपके फेस पे स्टिकी नहीं फील होता है अगर आप लगाते ही। देखिए, मैंने अभी इस टाइम अप्लाई कर रखा है मॉइस्चराइजर एंड अब मैं डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। समर हो, विंटर हो या कोई भी वेदर हो, मैं डेली अप्लाई करती हूँ। बिकॉज ऑफ मेरी स्किन तो ऑयली है, बट हाइड्रेट रखनी होती है मेरी स्किन को भी। तो ये सुपर लाइट जेल है, नॉन स्टिकी है, फ्रेश जेल है, हाइलुरोनिक एसिड है एंड विटामिन ई है, जो कि आपके फेस को हाइड्रेटेड करेगा, ग्लो प्रोवाइड कराएगा। एंड हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपके स्किन को बूस्ट करेगा। बहुत ही लाइट जेल फार्मूला है ये, पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है ये। एंड इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो ये जो मैंने न्यू परचेस किया है ये है 49 ग्राम की एंड इसकी एमआरपी है 100 रुपीज़ की। ये 822 की इसकी मैन्युफैक्चर है एंड एक्सपायरी इसकी 725, यानी कि ये बहुत साल, 3 ईयर्स आपका चलेगा बहुत आराम से। तो कोई आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा फिनिश नहीं हो पाया तो ख़राब हो जाएगा प्रोडक्ट, नहीं, इसकी सेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी दी गई हुई है। एंड ये लाइट जेल है एंड आपने पॉन्ड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे, डोंट बी स्केयर कि ये पता नहीं कैसा फार्मूला निकलेगा। चलिए अब मैं इसके फार्मूले की बात कर लेती हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके की क्वांटिटी, इस तरीके से इसका टेक्सचर है, बहुत ही थिक टेक्सचर है। एंड ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही थिक टेक्सचर है एंड ये बहुत ही लाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट है। और मैं इसे आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए ये। एंड ये वाटरी रेसिस्टेंट में है, जिससे कि आप अगर अपने फेस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ऑयली स्किन हो गई आपकी। मेरी स्किन बहुत ही ऑयली, और गर्मियों में तो इतनी ऑयली हो जाती है मेरी स्किन कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठंडी में तो मेरे लिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है ठंडी के लिए, बट गर्मी में मेरी स्किन बहुत बुरी हो जाती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है और इसने बिल्कुल भी मेरे हैंड्स को बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं दिया है, स्टिकीपन नहीं है। लुक एट दिस, तो ये इसका इस तरीके से फैदर लाइट फार्मूला है, जैसा कि ये क्लेम भी करते हैं। और ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और मैं इसे ऑलमोस्ट 1 ईयर से इसे अप्लाई कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, और मैंने इसको अभी तक चेंज करने की नहीं सोची है।
एंड अगर आप ऑयली स्किन में हैं, कॉम्बिनेशन स्किन में हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आप इसको पहले से ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो इसको ट्राई कीजिए, और आफ्टर 10 डेज़ बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।